हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। मेरा आज का जो वीडियो है कंटेनमेंट बोर्ड, जी हाँ कंटेनमेंट बोर्ड सिकंदराबाद के अंतर्गत आप लोग की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई टोटल 24 पोस्ट हैं, जिसमें आप लोग के सैनिटरी इंस्पेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब असिस्टेंट, ड्रेसर और वार्ड सर्वेंट की आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। आप लोग देख सकते हैं ये कंटेनमेंट बोर्ड की आप लोग की वेबसाइट है, यहीं से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने हैं। जी हाँ, इसमें आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने हैं। अप्लाई का लिंक आप लोग को यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, मीन्स 1/8/2021 से आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होने लगेंगे, जो कि 21 अगस्त 2021 तक आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होंगे। तो यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसका वीडियो भी मैं आप लोग को बना दूंगा यदि आप लोग कहते हैं तो। तो आप लोग देख सकते हैं सिकंदराबाद छावनी परिषद के अंतर्गत आप लोग की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आप लोग के ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, ठीक है। कंटेनमेंट बोर्ड जो मैंने आप लोग को वेबसाइट दिखाई दी है, यहीं से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा सिकंदरा कंटेनमेंट वैकेंसी, जी हाँ, पोस्ट की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, कौन कौन सी वैकेंसी आप लोग की निकली हुई। तो सबसे पहले आप लोग की जो वैकेंसी निकल के आ रही है, असिस्टेंट कंटेनमेंट प्लानर की वैकेंसी है, सैलरी 31,000 से 84,000, ठीक है। टोटल 4 वैकेंसी है, जनरल की 3 है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है। जनरल वालों की एज 18 से 25, ओबीसी की 18 से 28 है। इसमें आप लोग के पास होनी चाहिए डिग्री, यानी कि बीई बीटेक सिविल से आप लोगों ने कर रखा है तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिजायरेबल में इन्होंने मांगा हुआ है ऑटो कैड, या फिर आप लोगों ने सर्वे सीआईजी या डिजाइन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आप लोगों ने कर रखी है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर मास्टर डिग्री है सिविल इंजीनियर में, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायर्ड इन्होंने मांगा गया है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर सिविल की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें आप लोग की जो 31,000 से 84,000 सैलरी रहने वाली, 2 वैकेंसी है, जनरल की 1 है, एससी की 1 आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है। एससी वाले 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एससी वालों को 5 साल का बेनिफिट होता है। बीई बीटेक आप लोग के पास सिविल होना चाहिए, ठीक है, इसमें आप लोग अप्लाई कर लेंगे। इसके अलावा डिजायरेबल में आप लोगों से मांगा गया ऑटो कैट, सर्वे, डीआईजी, डिजाइन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वगैरह में आप लोगों ने जो कर रखा हो किसी इंस्टीट्यूट से, या फिर आप लोग के पास हो मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड वैकेंसी जो निकल के आ रही है वो आप लोग की सैनिटरी इंस्पेक्टर की, 24,000 से 71,000 आप लोग के यहाँ पे सैलरी रहने वाली। 1 वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप लोग की एससी की, 18 से 30 साल तक आप लोग की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए, जो कि बायोलॉजिकल साइंस में आप लोग को यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोग के पास जो सैनिटरी इंस्पेक्टर, जी हाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग का भी आप लोगों ने कोर्स कर रखा हो तो ही यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कोर्स आप लोगों ने कर रखा हो, ठीक है। इसके अलावा डिजायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों से मांग लिया गया, बायोलॉजिकल साइंस में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। इसके अलावा आप लोग की असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की 40,000 से 93,000 आप लोग की सैलरी, 5 वैकेंसी आप लोग निकल के आ रही है, जनरल की 2, ओबीसी की 2, एससी की 1 वैकेंसी है। यहाँ पे एज यहाँ पे 18 से 32 कर दी गई जनरल की, जी हाँ इसमें एज आप लोग की ज़्यादा है, ओबीसी के 18 से 35, एससी वालों के 18 से 37 साल यहाँ पे एज है। एमबीबीएस डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में इन्होंने मांग लिया एमडी, जी हाँ आप लोग के पास एमडी गायनेकोलॉजिस्ट पैथलिक या फिर जनरल मेडिसिन या फिर क्रिटिकल केयर जनरल सर्जन वगैरह में है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट की आप लोग की वैकेंसी है, 21,000 से 63,000 आप लोग की सैलरी रहने वाली, 2 वैकेंसी है, 1 ओबीसी की और 1 एससी की आप लोग की वैकेंसी, ओबीसी के 18 से 18, एससी वाले 18 से 30 साल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मा आप लोगों ने कर रखा हो तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिजायरेबल में इन्होंने बैचलर डिग्री आप लोगों से मांगी है फार्मेसी इन पीजी, यानी कि एम फार्मा आप लोगों ने कर रखा है डी फार्मा के साथ तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। नहीं कर रखा है एम फार्मा तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा 6 है आप लोग का नर्स, नर्स की वैकेंसी है 25,000 से 73,000 आप लोग की सैलरी रहने वाली, 2 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 वैकेंसी आप लोग की, बीएससी नर्सिंग आप लोगों ने कर रखा है या फिर 3 ईयर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कोर्स आप लोगों ने कर रखा है तो भी आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग या फिर 3 साल का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कोर्स आप लोगों ने कर रखा है तो भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नर्सिंग कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्सिंग मिडवाइफ सेंट्रल स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। इसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस भी आप लोगों से मांगा गया स्टाफ नर्स इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, है तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है 13,000 से 40,000 आप लोग की सैलरी, 1 वैकेंसी है, जनरल की 1 वैकेंसी है, 18 से 25 साल एज है, 12th पास है आप लोग बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मींस बायो में आप लोगों ने 12th कर रखी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों ने कर रखा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से, 1 ईयर एक्सपीरियंस है आप लोग के पास
तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा ड्रेसर की वैकेंसी है 13,000 से 40,000 आप लोग की सैलरी, 5 वैकेंसी यहाँ पे ड्रेसर की निकल के आ रही है, जनरल की 2 है, ओबीसी की 2 है, इसके अलावा एससी की 1 वैकेंसी है, जनरल की 18 से 25, ओबीसी की 18 से 28, एससी वाले 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास है आप लोग तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप लोग के पास होना चाहिए 12th में। इसके अलावा आप लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो ड्रेसिंग में या फिर फर्स्ट एड फ्रॉम आप लोग जो ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा ड्रेसर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा 12th जी हाँ वार्ड सर्वेंट की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी निकल के आ रही है, 13,000 से 40,000 आप लोग की सैलरी निकल के आ रही है। दोनों वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे ओबीसी की, ओबीसी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल एज आप लोग की मांगी गई है। ओनली और ओनली यदि आप लोग 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग को वार्ड सर्वेंट में मांग लिया गया किसी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल आप लोग की वैकेंसी की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी, एज की जानकारी आप लोग को यहाँ पे साथ में मैं आप लोग को देता आया हूँ, ठीक है। 1, 3, 5, 9 जितनी भी वैकेंसी है आप लोग की, 18 से 25 जनरल वालों को, ओबीसी को 5 साल 2 साल का बेनिफिट, 3 साल का बेनिफिट और SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप लोग जो सीरियल नंबर 4 है इसमें आप लोग को एज बता दी गई 18 से 32 साल, ठीक है। एज की जानकारी मैं आप लोग को साथ में देता आया हूँ। इसके बाद जो मोड ऑफ सिलेक्शन है जी हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला है। रिटर्न एग्जाम के बाद जो है आप लोग को जी हाँ इसमें ओनली आप लोग का रिटर्न एग्जाम है, लेकिन जो आप लोग का पोस्ट 8 है यानी कि जो ड्रेसर की पोस्ट है इसमें आप लोग का जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होगा रिटर्न एग्जाम के बाद। बाकी सभी पोस्टों पे ओनली और ओनली आप लोग का रिटर्न है। रिटर्न एग्जाम जो है ओनली आप लोग का इंग्लिश में ही होने वाला है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। डेट टाइम एंड वेन्यू जो भी है आप लोग का रिटर्न एग्जाम का उसकी जानकारी आप लोग को कंटेनमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। रिटर्न एग्जाम आप लोग का इंग्लिश में होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वगैरह कोई गलत आंसर आप लोग नहीं देंगे, और इसमें आप लोग देखेंगे रॉन्ग आंसर के आप लोग के जो 1/4 मार्क यहाँ पे कटने वाले हैं। जी हाँ 1/4 मार्क्स आप लोग के कटेंगे, तो कोई गलत आंसर आप लोग नहीं देंगे। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई के समय आप लोग को जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग को जो है सिलेबस की जानकारी नीचे दी गई है। तो रिटर्न एग्जाम में 1/4 मार्क आप लोग के कटने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो पोस्ट 1 और 2 के लिए आप लोग को सिलेबस दिया हुआ है, इंटेलिजेंसी आएगी, रीजनिंग अवेयरनेस आएगी, न्यूमेरिकल आएगी, इंग्लिश आएगी, सिविल इंजीनियरिंग आएगी, 120 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे, 120 मार्क के 100 मिनट का आप लोग को टाइम मिलने वाला है। इसी प्रकार से आप लोग तीसरे नंबर की जो पोस्ट है उसमें आप लोग के इंटेलिजेंसी अवेयरनेस एप्टीट्यूड, ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश और बायोलॉजिकल साइंस सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कोर्स आप लोग का 120 क्वेश्चन, 120 मार्क के 100 मिनट का आप लोग को टाइम मिलेगा। इसी प्रकार से 4th पोस्ट के लिए आप लोग को दिया गया 120 क्वेश्चन आने वाले। इसी प्रकार से 5th के लिए आप लोग में भी आप लोग के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ जो आप लोग की 5th है इसमें आप लोग जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग जनरल अवेयरनेस, ठीक है, आप लोगों को डिटेल दी गई, आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा सभी पोस्टों की, यहाँ पे डिटेल दे दी गई है 1 by 1 7th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए। जी हाँ 8th में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है जो आप लोग की ड्रेसर की वैकेंसी है इसमें आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें आप लोग की रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रेंशन आएगी। 90 क्वेश्चन आप लोग के आने में 90 क्वेश्चन 90 नंबर के होंगे और आप लोग के 90 मिनट का ही यहाँ पे टाइम मिलने वाला। इसके बाद जो है आप लोग का स्किल टेस्ट भी इसमें होने वाला है, ठीक है, जो कि आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर होगा, रिटर्न एग्जाम के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। सिलेबस की जानकारी आप लोग को नीचे दी गई, ठीक है, आप लोग सिलेबस देख लेंगे, पूरा लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को रीड करेंगे, उसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी बना दूंगा। एप्लीकेशन फीस पोस्ट 1 से 6 तक आप लोग के 500 रुपये लगेंगे, जनरल वालों के, ठीक है, जनरल ओबीसी वालों को और SC ST PW2 एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल वालों को 200 रुपये मिलने वाले हैं, 200 रुपये लगने वाले हैं 1 से 6 नंबर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा 7th और 9th के लिए आप लोग को जो है यहाँ पे 300 रुपये जनरल ओबीसी को और SC ST PW2 एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के 100 रुपये लगने वाले हैं 7th और 9th पोस्ट के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन एप्लीकेशन आप लोग को बता दिया गया, ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई होंगे 1/8/2021 से 21/8/2021 तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। डेट की जानकारी नहीं दी गई है, जी हाँ रिटर्न एग्जाम के डेट की, एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, आप लोग को ऑनलाइन ही इसकी सूचना मिल जाएगी। इसके अलावा एडमिट कार्ड कॉल लेटर आप लोग का ऑनलाइन आने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया गया, आप लोग इंडियन नागरिक होने चाहिए, ठीक है, सभी जो आप लोग का एजुकेशन एजेंशियल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग कास्ट और एज वगैरह सब कुछ आप लोग का फिल होना चाहिए, पूरा करना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप लोग की कट ऑफ डेट आप लोग को बता दूं, जो आप लोग की एज काउंट होगी वो लास्ट डेट को ही काउंट होगी, यानी कि 21/8/2021 को आप लोग की एज काउंट होने वाली। जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं, आप लोग पढ़ेंगे, जो समझ में आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दे दूंगा। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, जी हाँ आप लोग का जब रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा आप लोग का सिलेक्शन होता है तो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए आप लोग बुलाया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर प्रूफ वगैरह ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ही आप लोग के पास रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। रिजेक्टेशन का कारण दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट आप लोग देख लेंगे किस प्रकार से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन
के बाद आप लोग का जो इस प्रकार से स्टेप होंगे, ठीक है, ओटीपी वगैरह आएगा, कैप्चा वगैरह डालेंगे आप लोग, ठीक है, जेपीजी फोटो वगैरह की डिटेल आप लोग ले लेंगे, इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग इसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है सिकंदराबाद कंटेनमेंट बोर्ड में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है, तो आप लोग इसे रीड कीजिए। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले ये कहूंगा यदि चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।